गाइस, मैं आप लोगों के साथ यहाँ एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस संसार में इतने मतलब दोगले लोग हैं। मैं एक्चुअली अपने फ़ोन में खोल रही हूँ उस दोगले इंसान की हिस्ट्री। तो और अब मैं जिस किसी की भी वीडियो अपनी कम्युनिटी पे शेयर करूँगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे टॉपिक पे बने, अच्छे अच्छे वीडियो ही शेयर करूँगी। ऐसे दोगले लोगों के वीडियो शेयर नहीं करूँगी जो कि मेरे हस्बैंड के, पहले तो मेरे पक्ष में वीडियो बनाते हैं, फिर फाइट करते हैं मेरे हस्बैंड के पक्ष में। तो ऐसे बिकने वाले लोगों के लिए तो मैं बिल्कुल ही नहीं खड़ी रहूँगी, है ना। तो किसी ने यहाँ कोई है लेडी, उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि उसके नाम लेने से ही उसका मतलब पहले ही मैंने इतना प्रमोशन कर दिया है, क्योंकि उसके 41 सब्सक्राइबर्स, 41 सब्सक्राइबर्स ही मेरी वजह से ही, मेरे चैनल की वजह से ही हुए हैं। और जो कि इसके चैनल को खैर कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जिस तरीके की वीडियो रहते हैं। और रही बात मेरी बेटी की, ये बहुत बड़ी शुभचिंतक बन रही है। जब मेरी बेटी के फादर के लिए ही तू उसको दूर करने के लिए इतना वीडियो मतलब वीडियो तो तूने खैर हमारे पक्ष में बनाई है, लेकिन जो वीडियो में जो तू कमेंट्स अपनी ऑडियंस के साथ कर रही है वो मैंने सब देख लिया है तेरा। मुझे अभी किसी मेरे ही YT फैमिली के मेंबर ने बताया, ऑडियंस ने बताया कि इस लेडी पे बिल्कुल बिलीव मत करना, इसका नाम कुछ राखी कर रही है। तो इसने क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन मतलब एक चीज़ में इसमें कई बार ये अपनी ऑडियंस से पूछ रही, क्या आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आप जैसे चैनलों को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। आप इतना जान लीजिए, जब किसी बच्चे की माँ के बारे में आप इतना गलत बोल रहे हैं, और रही बात आपने लिखा है जब रेखा अपने पति की ही ना हो सकी, तो रेखा ने क्या किया क्या नहीं किया वो रेखा जानती है और रेखा के घर वाले जानते हैं, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये कि मैं अपने पति की क्यों नहीं हुई, तूने ये जानने का, तूने ही अपना वीडियो बनाया ना, तूने ही बताया ना कि उसमें रेखा के पति ने रेखा के बच्चे पर मारने की कोशिश करी। और तू अपने वीडियो में, हाँ मैं तुझे एक चीज़ का और जवाब देना भूल रही हूँ कि तू अपने वीडियो में कह रही है प्रदीप कोई रेखा को किराए का घर दिलाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रहे मेरी जुत्ती किराए के घर में, मेरा जो खुद का घर है ना आगरा में वो किसी महल से कम नहीं है, है ना। और मैं अपने ही घर में रहूँगी जिसमें मैं रह रही हूँ, जो मेरे ससुराल का घर है मैं नहीं जाऊँगी उससे, है ना। और तो जैसे लोगों को ज़्यादा एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन का आंसर देने का इसलिए मेरा मन चाहा कि तुझ जैसे लोगों की सच्चाई इस सोशल मीडिया पे आए, क्योंकि सब्सक्राइबर तो तू लेके बैठी हुई है, 41 सब्सक्राइबर हैं तेरे, लेकिन तेरी जो सोच है ना वो इतनी घटिया सोच है ना जिसकी कोई सीमा ही नहीं तेरा जो, और वो है, और तू कभी सफल नहीं हो पाएगी। वैसे तो मैंने तेरे ब्लॉग पे कर दिया है मैसेज डायरेक्ट, ठीक, लेकिन मैं ऐसे लोगों को ज़्यादा मुंह से नहीं लगाना चाहती, क्योंकि मैं यूट्यूब पे कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन बाहर ही ज़िंदगी में मेरी एक स्टेटस है, एक स्टैंडर्ड है और एक हैसियत है। तो तुम जैसे लोगों के मुँह में लगती नहीं हूँ। और रही बात तेरा पति तेरे साथ है ना, तो तू उसी में खुश रहे। मेरा पति मेरे साथ नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे किधर जाना है किधर नहीं जाना, वो मेरी फैमिली डिसाइड करेगी और मैं करूँगी, तू होती कौन है फर्स्ट ऑफ ऑल। और रही बात तू बार बार सपना का नाम देती है, तो जब मेरा मेरे पति से ही कोई रिलेशन नहीं है, तो उससे रिलेटेड किसी भी इंसान से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, एज ए यूट्यूबर क्या कहते कह लो या इंसानियत कह लो, तो मैं अपने आप को मतलब कहती हूँ कि हाँ एक इंसानियत का रिश्ता है, मैं उसके अच्छे ही चाहूँगी। और रही बात मेरे चैनल पर वीडियो क्यों बनी थी, क्या बनी थी, वो फैमिली मैटर था, और वो फैमिली को पता है और वो सपना को भी पता है कि क्यों डाली थी और क्यों नहीं डाली थी, ठीक है। तो बस यही था आज की स्टोरी में, कि कई बार क्या है, हम जाने अनजाने में ऐसे लोगों को सपोर्ट कर देते हैं जो कि हमारे लिए ही दुखदायी होते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और रही बात मेरी मेरे पति के साथ नहीं बनी, तो इस बात को मैं चीख चीख के कह चुकी हूँ, कई बार कह चुकी हूँ कि कोई भी लड़की अपना घर तोड़ना कभी नहीं चाहती। हर लड़की यही चाहती है
कि उसका घर हमेशा बना रहे, उसका घर संसार, पति और पति का आंगन हमेशा बना रहे। लेकिन जब मेरे पति ने मेरी बेटी को, मतलब उसकी बेटी भी है, वो ऐसा नहीं है कि मेरे अकेले की बेटी है, जब उसको ही सपोर्ट नहीं किया तो वो मुझे क्या करेगा। और कई बार जाने अनजाने में हम ऐसे रिश्तों से बन जाते हैं जिनको साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे रिश्तों को हमेशा छोड़ देना ही अच्छा रहता है। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना है, एक मॉरल बढ़ा के ही छोड़ना है ताकि किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो पाए। क्योंकि मेन मकसद इस फैमिली का, जो कुंदल फैमिली है, इस फैमिली का मेन मकसद है किसी और लड़की को भी बर्बाद करना। क्योंकि इनके घर में किसी, जिस घर में माँ बाप भाई भाभी इन सब की ज़्यादा चलती हो, क्योंकि देखो कोई बीवी है, कोई लड़की है, बीवी बनी है तो अपना सब कुछ छोड़ के आती है, तो उसके हस्बैंड का भी उतना दायित्व बनता है, उसके परिवार जनों का भी उतना दायित्व बनता है कि उसे फैमिली मेम्बर की तरह से ट्रीट किया जाए। मुझे कभी इस घर में फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट नहीं किया था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने इस घर को बनाना चाहा। मेरे हस्बैंड ने 2 बार कोर्ट में भी लिख के दिया रिसेंटली, अभी देखते हैं कोर्ट उनसे क्या बात करेगा, कि मैं अपनी वाइफ के साथ, बेटी के साथ रहना चाहता हूँ। और रही बात, अब मुझे ये एहसास हो चुका है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो प्रदीप ही करवा रहे हैं, क्योंकि किसी भी माँ बाप की इतनी हिम्मत नहीं होती। और रही बात मुझे बर्बाद करने के चक्कर में, ये जाने अनजाने में खुद बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि जो इंसान अपने पुश्तैनी घर बेच रहा है तो सोचिए उसके पास क्या बचेगा। और रही बात जो लोग मेरे लिए बुरा सोचते हैं, उनसे हाथ जोड़ के बस मेरा यही निवेदन है कि इंसान की एटलीस्ट आप कंडीशन तो देख लो कि वो किस कंडीशन में है ना। सच में ये जो लड़की है, क्या नाम है इसका, राखी है कि क्या नाम है, इस पर मुझे क्या कहूँ, इतना मतलब ये भी एक किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, भगवान ना करे जाने अनजाने में जब इसके साथ भी ऐसा हो जाएगा तो ये कहाँ क्या करेगी, क्या करेगी, कुछ कहने लायक बचोगी तुम? अगर तुम्हारा पति बाहर भाग जाए तुम्हें छोड़ के, तुम्हें घर से निकाल दे, तुम्हारे बच्चे फुटपाथ पे आ जाए, तो बताओ तुम क्या करो। तो इसलिए किसी के बारे में कहो ना तो सोच समझ के कहो, क्योंकि जो चीज़ तुमने की है। और रही बात, हाँ राखी जो भी है तो लेनी है कि क्या है, शक्ल पूरी दिखाई है तुमने, है ना, इसीलिए तुम्हारा वीडियो मैंने कम्युनिटी पर शेयर किया था। तो किसी के लिए इतनी बड़ी खाई मत खोदो कि भगवान अगर तुम्हें गिराए ना तो उसमें तुम कूदते खत्म ही हो, है ना। क्योंकि मैंने तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैंड कर लिया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई लिखाई इतने अच्छे तरीके से की थी ना कि कभी मुझे किसी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। पर तुम लोग सोचो कि अगर भगवान जाने अनजाने में तुम्हारे साथ कर देगा, और तुम जिस तरीके से तुमने बोला ना कि वो अपने पति की ही नहीं हो सकी, भगवान ना करे तुम कभी अपने पति की, तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच कभी इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग फैल जाए कि तुम्हारा पति तुम्हारा ना बन सके कभी, तो तुम क्या करो। तो इसलिए सोच समझ के बोलो, है ना, जो भी बोलो। और अब मेरे लिए और मेरी सो कॉल जो भी है देवरानी, हम दोनों के लिए वीडियो बनाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ये चैलेंज कर रही हूँ, है ना। अगर मैंने तुम्हारे चैनल पे अब एक भी वीडियो देखा ना तो मुझे स्ट्राइक मारने में देर नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए तुम सोच समझ के वीडियो बनाना, क्योंकि मैं गलत चीज़ों को कभी भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, भले चाहे मेरे बारे में गलत हो, चाहे किसी और के बारे में गलत हो। हाँ, मेरे हस्बैंड के बारे में गलत बोला जा रहा है, उस चीज़ को मैं इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि वो गलत है उसने। आप लोग देखिए, चलिए आप लोग, मुझे कुछ लोग गलत बोलते हैं तो मैं गलत, ठीक है, लेकिन अपना बच्चा उसने सोचा, मैं तो रह लूँगी, मेरे पापा के घर रह लूँगी, कहीं पर भी रह लूँगी, मैं होटल पर भी, मेरे पास इतनी वो चीज़ें हैं, इतना सैलरी है कि मैं पर डे भी एक होटल में बिताऊँ ना, अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल में, तो भी मैं चुका दूँ उसका। पर उसने ये सोचा कि मेरा बच्चा इस घर में रहता है, मेरे माँ बाप इस घर में रहते हैं, इस घर को सेल आउट भी होते हैं। उसने जब पता है तुम्हें, आज तक मतलब बीच में वो आने लगा था घर में, तो वो जबरदस्ती मैं उसकी गोदी में बिठा देती थी, आज तक उसने अपने बच्चे को गोद में नहीं लिया, और वो बच्चा उसी का है। ये चीज़ मैं आप लोगों को, जब ये मेरा कोर्ट केस खत्म होगा तो मैं एज ए विटनेस, एज ए प्रूफ, मैं सारी चीज़ें अपनी कम्युनिटी में लगाऊंगी,
कि कब कब मैंने कौन कौन सा केस फाइल किया और कब कब कौन कौन सी चीज़ें अप्रूव्ड हुई हैं। तो वहाँ प्रदीप ने यही कहा है कि जो इसके पेट में बच्चा है, क्योंकि जब डिवोर्स केस डाला गया था ना तो कुकू मेरे पेट में थी, जो इसके पेट में बच्चा है वो मेरा है और ये इसको गिराना चाहती है, मारना चाहती है ना। तो पूरे सोशल मीडिया ने देख लिया होगा कि मैं कुकू की परवरिश किस तरीके से कर रही हूँ और कुकू को मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मेरी बेटी का तो नाम तुमने लिखे है ना, तुम्हें इतनी गालियाँ जो पड़ी है ना सिर्फ कुकू की वजह से पड़ी, क्योंकि मेरी बेटी कोई अनाथ या बेचारी नहीं है, मेरी बेटी है, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, क्योंकि मैं एक आयरन लेडी हूँ, इस चीज़ को मैं मान चुकी हूँ और पूरा समाज मान चुका है। मैं कभी गलत के खिलाफ ना कभी खड़ी थी और ना कभी खड़ी होंगी। तो मेरी बेटी अनाथ नहीं है कि तुम जैसे घटिया लोगों का सहारा उसे जीवन जीने के लिए मैं दिलवाऊंगी। तो अपना मुंह जो गटर की तरह तुम्हारा मुंह खुला है ना मेरे, तुम खुद सोचो तुमने क्या किया है। तुमने YouTube पे मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाई और तुम नीचे क्या कर रही हो, नीचे मेरे ही खिलाफ तुम अपनी ऑडियंस से बोल रही हो, तो वो ऑडियंस भी पता है तुम पे हंस रही है। और जो ये खबर मेरे पास आई है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं YouTube को खोल खोल के देखूँ, मैं अपनी चीज़ें डालती हूँ और चीज़ों को ख़त्म करती हूँ, है ना। तो तुम्हारी ही ऑडियंस ने मुझे बताया कि दीदी देखो ये घटिया औरत क्या क्या बोल रही है लोगों को, तो तुझे बनानी है ना प्रदीप सिंह के लिए वीडियो, तो डायरेक्टली तू बना, है ना। और वो तेरा क्या करना है वो तो मैं देख लूँगी अपने आप, तेरे चैनल के साथ क्या करना है वो भी मैं देख लूँगी। इसलिए दूसरों के खिलाफ इतना ही बोलो कि कोई बर्दाश्त कर पाए, झूठी सच्ची कहानियाँ मत बोलो। और यू आर नॉट माई फैमिली मेम्बर फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम जानती क्या हो, ठीक है। और इसलिए अपना मुंह तुम बंद रखो और तुम्हें जो करना है तुम करो, ठीक है। मैं मुझे जो करना होगा फिर मेरा देख लेना कि मैं क्या करूँ, फिर रोना मत दो बस। तो गाइस मैं आप लोगों को इसी के साथ अलविदा कहती हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग में। बहुत मन करता है, बहुत सारी मस्ती चल रही है घर में, कुकू मम्मी और पापा तीनों की मिलके, नाइट में भी सोते तो इतना मस्ती। और कल तो आपने कुकू की लाइफ देखी होगी किस तरीके से आप लोगों से बात करती है। तो अपनी दुआएं और अपना प्यार हमेशा मेरे और मेरी बेटी के लिए और मेरे चैनल के लिए बनाए रखिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अलविदा दोस्तों।